स्वागत है आप सभी का नीरज पांडे व्लॉग्स में। एक बार फिर से हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम आए हुए हैं दिल्ली के बहुत ही ज्यादा फेमस गुरुद्वारा श्री बांग्ला साहिब में। तो अभी आपको हम यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, कितनी ज्यादा चहल पहल है सब कुछ दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, क्योंकि आज है गुरु पर्व का दिन। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गुरु पर्व की। और आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं कि आज कितनी ज्यादा है। तो बने रहिए इस व्लॉग में, चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बांग्ला साहिब के अंदर और अभी मैं आपको अपने पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो चलिए जूते जमा करवाते हैं और पैर को धुल करके फिर चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर दर्शन करने के लिए। अभी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ है, मतलब एक एक कदम रखने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम दर्शन करेंगे। और देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बहुत ज्यादा श्रद्धालु गुरुद्वारे में आज आए हुए हैं। तो दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं बाहर और अभी आप बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। अभी शाम बस ढल रही है और शाम के समय अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही ज़्यादा लोग आज आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो हमने तो दर्शन कर लिया है, हालांकि वहाँ पर वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं वहाँ की वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन जितना मुझको हो पाया मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो अभी आप देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर बांग्ला साहिब का नज़ारा और शाम के समय तो और भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो चलिए, अभी शाम हो चुकी है तो चलते हैं कैंडल्स को जलाते हैं। तो अभी हमने कैंडल्स तो खरीद लिए हैं, तो अभी हम चलते हैं और कैंडल जलाएंगे। अभी हमने अपनी कैंडल्स वगैरह सब जला दिए हैं, तो चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर और आपको और भी खूबसूरत बांग्ला साहिब के नज़ारे दिखाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अब हो चुकी है शाम और शाम के वक्त का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत और कितना लाजवाब दिखाई दे रहा है बांग्ला साहिब। तो चलिए चलते हैं, आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं कि किस तरीके से लाइटिंग के बाद जो बांग्ला साहिब का नज़ारा है वो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं कि मैं थोड़ा करीब आ चुका हूँ और अब बांग्ला साहिब कितना बेहतरीन दिख रहा है। तो शाम हो चुकी है और शाम के वक्त ऐसी कुछ लाइटिंग का व्यवस्था की गई है जिससे बांग्ला साहिब और खूबसूरत दिख रहा है। अभी हम आ चुके हैं एक म्यूजियम में जहां पर श्री गुरु नानक जी के जीवन के बारे में काफी सारे चीजों को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, अभी हमने सभी प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लिया है और अभी भी आप देख सकते हैं कि शाम के वक्त 8:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी भीड़ कम नहीं हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा श्रद्धा है और कितने ज़्यादा लोग कितनी तादाद में आए हुए हैं। तो फिलहाल हमने तो सभी दर्शन वगैरह अच्छे से कर लिए हैं, तो अब चलते हैं अपने घर की ओर और अभी भी आप देख सकते हैं कि भीड़ आए ही जा रही है। तो चलते हैं हम अपने घर की ओर। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और आई होप सो कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा।
तो ये छोटा सा व्लॉग मैंने कोशिश करी है आपको कि दिखाने की कि कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।